एशिया में रक्षा उत्पादों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 बुधवार से लखनऊ में आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राजधानी के वृंदावन योजना में दोपहर 1:30 बजे डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। रक्षा उपकरणों के कारोबारियों के समागम में 70 से ज्यादा देशों के 1,028 कंपनियां अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी। इनमें 856 भारतीय और 172 विदेशी कंपनियां हैं। दिल्ली चुनाव में अंतिम चरण के प्रचार के लिए बीजेपी ने बड़े नेताओं के साथ साथ लगभग 250 सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है, जिन्हें दिल्ली के झुग्गियों में एक रात गुजारने को कहा गया है। निर्भया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार दोपहर 2:30 बजे केंद्र सरकार की तरफ से दायर उस याचिका पर अपना फैसला देगी, जिसमें केंद्र सरकार ने निचली अदालत की तरफ से निर्भया के हत्यारों के डेथ वारंट पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने का आदेश दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील देते हुए कहा था कि इस मामले में अलग अलग दोषियों को अलग अलग वक्त पर फांसी दी जा सकती है। राम जन्मभूमि के मुकदमे का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसले में अयोध्या में ट्रस्ट के माध्यम से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। ट्रस्ट निर्माण के 3 महीने की वक्त सीमा खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा नहीं की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल में कहा है कि राष्ट्रविरोधी ताकतें देश के माहौल को खराब करना चाहती हैं। लोग ऐसी राष्ट्रविरोधी साजिशों से सतर्क रहें और डटकर उनका मुकाबला करें। उन्होंने प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं और समाज को इन राष्ट्रविरोधी साजिशों से सतर्क रहने का आह्वान किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली के चुनावों में बीजेपी की बदजुबानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इससे साबित हो जाता है कि बीजेपी अपनी साख और जमीन दोनों खो रही है। भाषा में गिरावट राजनीति में घटिया सोच और संकीर्ण मानसिकता उजागर करती है। चुनाव आयोग को बिगड़े बोलों का संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने नोएडा पहुंचे। दिल्ली चुनाव को लेकर प्रहलाद मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो हिंदुओं के हितों की रक्षा कर सके। तो वहीं एनआरसी पर उन्होंने कहा कि एनआरसी तो असम में राजीव गांधी के समय पर भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसका अपयश बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। रामपुर में सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर चल रहे 3 मामलों में जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। अब्दुल्ला आजम के मामले में 5 फरवरी को सुनवाई होनी है। बलरामपुर में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। साथ ही उसके सैंपल की जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है। बता दें कि मरीज चीन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करता है और वो बीते 15 जनवरी को भारत लौटा। कोरोना वायरस को लेकर शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज हाई अलर्ट पर है। यहां कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसकी निगरानी डॉक्टर की विशेष टीम लगाई गई है। वहीं पूरी स्टाफ को ड्यूटी के दौरान मास्क पहनने के भी निर्देश दिए गए। आगरा में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आगरा में चीनी पर्यटकों के आने से वहां खतरा बना हुआ है, जिसके लिए जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। तो वहीं विशेष डॉक्टरों की टीम की तरफ से संदिग्ध लोगों की जांच भी की जा रही है। मिर्जापुर के कटरा इलाके में तेज रफ्तार से आ रही कार ने थाने के पास खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। कार के टक्कर की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर कार चालक से पूछताछ कर रही है। मथुरा में NH2 पर टायर पटने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की वजह से रोड पर जाम के हालात हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने जेसीबी की मदद से जाम को खुलवाया और मृतक की लाश व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ के बिलरियागंज इलाके में जवाहर पार्क में सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन की। प्रदर्शन के दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने की कोशिश की। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में भूसी से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मिर्जापुर के लालगंज इलाके के प्राथमिक स्कूल में खौलते भिगोने में गिरी बच्ची की मौत के बाद जिला प्रशासन ने 6 रसोइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं स्कूल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है।
मिर्जापुर के विध्यांचल इलाके में कालीन व्यवसायी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक को शामली का रहने वाला था और वो विध्यांचल में रहकर कालीन बुनवाने का काम करता था। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जालौन के कालपी में चल रहे NH-27 निर्माण कार्य में अधिग्रहित की गई है जमीन का मुआवजा न मिलने से परेशान लोग अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के जाने के पहले NHAI ने आश्वासन दिया था कि सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा जल्द दे दिया जाएगा, पर साल भर बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी मुआवजा नहीं मिला है। औरई के सदर इलाके में तहसील दिवस में फरियादी बुजुर्ग व्यक्ति को सरकारी स्टाफ के व्यक्ति की तरफ से धक्का देने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बुजुर्ग व्यक्ति अधिकारियों से पेंशन और राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाने आया हुआ था, जहां उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मुरादाबाद में सीए के समर्थन में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने हरपाल नगर में एक अनोखे माता के जागरण का आयोजन किया, जिसमें माता के भजनों के साथ ही भारत माता के जयकारे गूंजे और लोगों ने सीए के प्रति अपना समर्थन भी जताया। तो वहीं हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी आकाश अग्रवाल ने बताया कि सीए के खिलाफ देश भर में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसको वो दूर करना चाहते हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में बीते कई दिनों से एक अज्ञात युवक भर्ती है, जिसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। मेडिकल प्रशासन के लोग युवक के परिजनों को तलाशने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। दरअसल बीते दिनों पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद पुलिस इस को लेकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करके चली गई थी। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक हरीश धामी की उपेक्षा मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल राव से मुलाकात कर प्रदेश संगठन के हालात से उन्हें अवगत कराया। पार्टी हाईकमान से उन्हें मामले में उचित न्याय का आश्वासन मिला है। झांसी में आरपीएफ ने अवैध रेलवे ई टिकट का व्यापार करने वाले दो दलालों को हिरासत में लिया है। रेलवे ने आरोपियों के पास से 2,70,000 से ज्यादा की कीमत के पुराने ई टिकट समेत कई आईडी और कंप्यूटर भी बरामद किए हैं। कौशाम्बी के सैनी पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से ठगी के पैसे, खरीदी बाइक और नकदी भी बरामद किए हैं। आरोपी यूपीआई के जरिए लोगों के खाते से पैसे निकाल लिया करते थे। झांसी के थाना टोडी फतेहपुर के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी पंडभा का उद्घाटन किया गया। झांसी के SSP प्रदीप कुमार ने चौकी का फीता काटा और उसके बाद वृक्षारोपण किया। SSP ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चौकी का निर्माण गांव वालों के सहयोग से हुआ है। चौकी में दो शिफ्टों में पुलिस तैनात रहेगी, जिससे लोग अपनी समस्याओं को बता पाएंगे। वाराणसी के ज्ञानभापी परिसर का पुरातत्विक सर्वेक्षण कराने के फैसले पर सिविल जज ने कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा। दरअसल कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि ज्ञानभापी परिसर में स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग आज भी स्थापित है, जिससे धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए रडार तकनीकी से सर्वेक्षण और खुदाई करवाकर रिपोर्ट मंगाने की अपील कोर्ट से की गई है। मिर्जापुर के प्राथमिक स्कूल में खेलते वक्त जेट्रोफा की बीज खाने से 11 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, फिलहाल बच्चे खतरे से बाहर। आगरा में पुलिस ने होटल पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने उज्बेकिस्तान की 3 महिलाओं के साथ कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया। ये युवतियां टूरिस्ट वीजा पर भारत आई हुई थी। पुलिस को एक बड़े सेक्स रैकेट पकड़े जाने की उम्मीद है, जिसमें फिलहाल जांच की जा रही है। अलीगढ़ औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी में नुमाइश बाबू पीयूष साराभाई के खिलाफ हिंदू जागरण मंच की तरफ से किया जा रहा विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें हिंदू जागरण मंच के लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही डीएम के संपत्ति की जांच की मांग भी की। मुरादाबाद में नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में लाखों रुपए जमा करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। बैंक खातों में जमा पैसे का हिसाब न देने पर मुरादाबाद जनपद के 350 कारोबारियों से जुर्माना वसूला जा रहा है। आयकर विभाग ने बैंक खातों में ज्यादा रकम जमा करने वाले कारोबारियों को कुछ महीने पहले नोटिस दिया था, लेकिन कारोबारी जमा रकम का हिसाब नहीं बता पाए थे।
मैनपुरी के भोगाव थाना क्षेत्र में एक फोटोग्राफर से तमंचे की नोक पर लाखों रुपए की लूट होने का मामला सामने आया। लुटेरों ने फोटोग्राफर के साथ लोहे की रोड से जमकर मारपीट भी की। फोटोग्राफर शादी समारोह को कवर कर देर रात जब अपनी सेंट्रो कार से घर जा रहा था, तभी 5 अज्ञात बुलेरो सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हाथरस के बुर्जवाला इलाके के एक रेस्टोरेंट में 19 साल की छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं छात्रा के पिता का कहना है कि मेरी पुत्री किसी काम से बाहर निकली, जिसके बाद पुलिस ने सूचना दी कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच में जुटी है। अमरोहा के लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज का कारनामा उजागर हुआ है। कॉलेज में जीएनएम और एनएनएम की मान्यता न होने के बाद भी छात्रों से मोटी फीस लेकर उनके एडमिशन किए गए, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिद्धार्थनगर के वासी इलाके में महिला का घर के अंदर पंदे से लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बलिया के सुखपुरा इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 990 पेटी अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में भी लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य नैनीताल के भवाली दौरे पर रहे। इस दौरान 3,49,00,000 की लागत से बने रोडवेज वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। यशपाल आर्य ने कहा कि बस अड्डा बनने के बाद भी भवाली में लगने वाले जाम से स्थानीय और यहाँ आने वाले पर्यटकों को निजात मिलेगी। चमोली गृह मंत्रालय भारत सरकार के स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के तहत राज्य के बालिका इंटर कॉलेज की लगभग 30 से ज्यादा छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत चौहान से मुलाकात की। विभाग के बारे में जानकारी ली। बच्चों को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान सभी विद्यार्थी ने पुलिस के नियम और कानून भी सीखे। तो पिछले 4 दिनों से प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल के बाद सीएम के प्रतिनिधि के रूप में मेयर सुनील उनियाल गामा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी के लिए एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया। तो साथ ही आमरण अनशन में बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर उनका अनशन भी खत्म करवाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर हिंद्रा हृदयेश दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगी। प्रत्याशियों की मदद के लिए उत्तराखंड से 79 कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के 11 विधायक दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हल्द्वानी में तहसील दिवस पर अधिकारियों के ना पहुंचने से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। गुस्साए फरियादियों ने अधिकारियों के मुंह पर कालिक और तालाबंदी करने की चेतावनी दे डाली है। फरियादियों ने कहा है कि या तो तहसील दिवस के मौके पर अधिकारियों की उपस्थिति में लोगों की समस्याओं का निदान हो या फिर इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उत्तरकाशी के तहसील मोरी में जिलाधिकारी आशीष चौहान की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर 53 से ज्यादा शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई, जिसमें 45 शिकायत और समस्याओं का अधिकारी की मौजूदगी में तुरंत समाधान कर दिया गया। बाकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। हल्द्वानी में थाना दिवस के मौके पर डीआईजी कुमाऊं जगत राम जोशी ने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान डीआईजी जगत राम जोशी ने क्षेत्रवासियों को समस्याएं भी सुनी और उन पर विचार विमर्श भी किया। डीआईजी ने कहा है कि यहां नशा और ट्रांसपोर्ट की कई समस्याओं के मामले सामने आए हैं, जिन पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर में पिछले 3 दिनों तेंदुए की दस्तक ने लोगों की नींद उड़ाकर रखी है, जिसको लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। तेंदुए को भागते हुए वन विभाग भी सतर्क हो गया, तो वन विभाग की कई टीम तेंदुए की हर हरकत पर नजर बनाने की कोशिश कर रही है। भगवान बद्री विशाल की यात्रा से पहले पांडुकेश्वर भगवान बद्री विशाल के दाहिने हाथ माने जाने वाले भगवान बद्री विशाल के खंजांची कुबेर का उत्सव शुरू हो गया है। भगवान कुबेर का मंदिर बद्री विशाल के शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर में है। कुबेर उत्सव के साथ भगवान कुबेर का एकमात्र मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम जनता के लिए आज से खोला जाएगा। अपने दुर्लभ और आकर्षक गुलाबों से लिए प्रसिद्ध इस गार्डन का मुख्य आकर्षण इस बार ग्रेस द मोनाको नामक गुलाब होगा। मुगल गार्डन 5 फरवरी से 8 मार्च तक सोमवार के अलावा पूरे हफ्ते भर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा।
अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 10 विकेट से धूल चटा दी है। इसी के साथ ही भारत ने पाकिस्तानी चुनौती को ध्वस्त करते हुए रिकॉर्ड सातवीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल के विजेता टीम से होगा। अंडर 19 भारत की टीम लगातार तीसरी और कुल सातवीं बार फाइनल में पहुंची। मैच में यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़कर अपना पहला शतक पूरा किया तो वहीं दिव्यांश ने भी नाबाद अर्धशतक की पारी खेली। मैच में दोनों ने मिलकर 176 रनों के रिकॉर्ड साझेदारी की। भारत की अंडर 19 टीम का पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचने के बाद जहां एक तरफ देश में खुशी का माहौल तो वहीं हापुड़ में क्रिकेटर कार्तिक त्यागी के घर भी जश्न मनाया जा रहा है। कार्तिक के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि कार्तिक त्यागी ने ही 2 विकेट लिए थे। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच आज से खेला जा रहा है। भारतीय टीम में काफी इंजरी की वजह से रोहित शर्मा पूरे दौर से बाहर हो गए तो वहीं वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेल ली। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना का अपकमिंग फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान का पहला गाना मेरे लिए तुम काफी हो रिलीज हो गया है। इस गाने को रिलीज होते ही अब तक 386,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दर्शकों को ये गाना काफी पसंद आ रहा है।